हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। गाइस, आपके फ़ोन में भी अगर हैंगिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खास सेटिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप उस सेटिंग को अपने फ़ोन में कर लेते हो तो यकीन मानिए आपके फ़ोन का हैंगिंग प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, वो भी बिना स्किप करे। गाइस, ये वीडियो बहुत आपके काम आने वाली है। गाइस, वीडियो को अभी लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं इसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। गाइस, आप ये फ़ोन कब से इस्तेमाल कर रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, सबसे पहले आपको फ़ोन क्लीनर में आना है। जैसे आपका फ़ोन क्लीनर ऑन हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा है जंक क्लीनर, आपको उसमें आना है। जैसे आप इसको टैप कर देंगे गाइस, ये स्कैन होएगा। स्कैन होने के बाद देख सकते हैं आप कितना कैचे फाइल मेरे इसमें दिखा रहा है। अब ये पूरा 100% तक स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने देते से देख सकते हैं गाइस आप 3.41 GB जो वेस्टेज कैचे फाइल है वो जो इस वक्त यहाँ पे जमा हो चुकी है। ठीक है, जो अपने स्टोरेज में गाइस जितना ज़्यादा अगर ऐसे कैचे फाइल जमा होगा उसकी वजह से भी मोबाइल बहुत ज़्यादा स्टोरेज की वजह से भी हैंग होने लग जाता है। तो जो भी अगर ये अनवांटेड जो कैचे फाइल होती है इसे आपको जो है क्लीन करना होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने MB जो है जमा है। और ये गाइस आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जिस ऐप को आप इस्तेमाल नहीं करते उस ऐप को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, या गेम हो गया उसको भी आप खेलते नहीं तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। बहुत सारे स्टोरेज ले लेता है और उसके कैचे फाइल भी जमा हो जाती है और वो हम क्लीन नहीं करने की वजह से भी हैंग होने लग जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने क्लीन कर लिया हूँ। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मेमोरी बूस्टर, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर लोगे यहाँ दिखा रहा है 11 ऐप जो है मेरे इसमें बैकग्राउंड में रनिंग है। और एक बैकग्राउंड में रनिंग होने के कारण गाइस आपका मोबाइल हैंगिंग का इशू हो जाता है। तो आप जब भी आपको टाइम मिले इसको आप बूस्ट कर लेना। ठीक है, अब ये बूस्ट हो गया है। पहले 57 था, अभी 61% जो है मेरा रैम स्टोरेज इधर स्पेस दिखा रहा है। उसके बाद एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो CPU है नीचे वाला देख सकते हो CPU कलर। मोबाइल गाइस अगर ज़्यादा हीट भी हो जाएगा ना उसके वजह से भी आपका मोबाइल में हैंगिंग का प्रॉब्लम आने लग जाता है। तो आप बस इस पर टाइप कर दीजिए ना, अपने आप ये कूल हो जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है गाइस बैटरी सेवर। इसको जैसे आप टैप कर देंगे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में मेरे कितने 4 ऐप जो है वो रनिंग कर रहे थे। जैसे हम उसको टैप कर लेंगे 14 मिनट्स जो है मेरे और एक्स्ट्रा ऐड हो गए जो मेरे बैटरी के लिए। ठीक है, यही सब सारी सेटिंग होती है गाइस। अगर आप इसे हमेशा जब भी आपको टाइम मिलेंगे, जब आपका मोबाइल लग रहा है आपको हैंग हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, उस वक्त एक बार आप ये कर लीजिए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस 2 मिनट लगते हैं, उससे आपके मोबाइल में हैंगिंग का इशू बहुत कम हो जाता है। तो उसके बाद गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है आपको ऐप मैनेजमेंट, उसमें आना है आपको। जैसे ही ओपन हो जाता है गाइस इसमें जैसे भी जो भी हम सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, जैसे अब आपको दिखा देता हूँ, जैसे फेसबुक हो गया मेरा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं गाइस इसमें जो कैचे फाइल है वो जमा ही रह जाती है। तो आपको जब भी टाइम मिलेगा गाइस उसको भी आप यहाँ से क्लीन करते रहना है। आपको जब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ दिखा रहा है 41 MB, जैसे मैंने इसको क्लीन कर दिया 0 दिखा रहा है। तो ऐसे आपको एक एक ऐप जो आपको लग रहा है जो ज़्यादा आपने यूज़ किया हुआ है, जैसे इंस्टाग्राम भी, उसको भी जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ, स्टोरेज में आ गए, स्टोरेज में आएंगे क्लियर कैचे 81, अभी 0 हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है गाइस आपके जो स्टोरेज भी है, जैसे अभी मेशो को भी कर लेते हैं एक बार, ये भी हो गया। इससे जो है गाइस आपका जो स्टोरेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी रह जाता है। अगर आप गाइस SD कार्ड यूज़ करते हो उसमें जो भी आपको गेम ऐप जो ऐसा ज़्यादा अगर आपको लग रहा है आपका हीवी से, तो उसमें आप उसको मूव कर दो, उसमें आपको रख देना। आपको इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा फुल नहीं करना गाइस। इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा अगर फुल हो जाएगा तो आपको हैंगिंग का प्रॉब्लम आने ही लग जाएगा। ठीक है, और गाइस एक ये ऑप्शन है, इसको आप बूस्ट वाला जो है इसको डेस्कटॉप पे रख देना। बस इस पर आपको टैप करना होगा और ये मेमोरी बूस्ट हो जाती है। ये देखिए, जैसे देख रहे हैं मेमोरी जो है क्लीन हो गई। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता गाइस, एक ही बार आप टैप कर लो उसमें तुरंत हो जाता है वो। उसके बाद गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आपका अगर यूज़ हो जाता है मोबाइल का तो आपके जो भी रिसेंट फाइल जो होते आप उसको क्लीन नहीं करते, जब भी आप उसको टाइम मिले आपको उसको क्लीन करते रहना। उससे आपकी मेमोरी में ज़्यादा लोड नहीं गिरेगा और आपका मोबाइल ज़्यादा हैंग नहीं होएगा। ठीक है गाइस, बस ये कुछ टिप्स है, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके मोबाइल में हैंगिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा गाइस।
मैंने एक ऐसा कर चुका हूँ और तब से मेरे मोबाइल में तो हैंगिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।